अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक हो और खैरियत से हो। माय डियर व्यूअर, आज एस्टिमेशन के लेसन नंबर 4 के साथ हाजिर हूँ। आज के लेक्चर में हम क्वांटिटी अपटाइल के बारे में पलटे कि नंबर अपटाइल आपने किस तरह कैलकुलेट करना है एक फ्लोर के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। माय डियर व्यूअर, ये आप देख सकते हैं कि एक फ्लोर है, इसका लेंथ 15 फिट है और ब्रेथ भी 15 फिट है। टाइल साइज जो है ना, ये 2 फिट बाय 2 फिट है। तो इस फ्लोर के लिए आपने किस तरह नंबर ऑफ टाइल फाइंड करना है, तो मैं आपको एक्सेल में सिखाता हूँ आज। डियर फ्रेंड्स, नंबर ऑफ टाइल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपने इस तरह का एक टेबल बनाना है, जिसमें आपने लिखना है लेंथ, ब्रेथ, टोटल एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ वन टाइल एंड नंबर ऑफ टाइल। ठीक है, इसके बाद आपने सबसे पहले लेंथ फुट करना है, ये आप देख सकते हैं 15 फीट। इसके बाद आपने ब्रेथ ऑफ फ्लोर एंड फिट, ये भी आप देख सकते हैं, ये 15 फीट के बराबर है। इसके बाद आपने टोटल एरिया ऑफ फ्लोर कैलकुलेट करना है, तो इसका फार्मूला मैं आपको दिखाता हूँ एक्सेल में कि आपने इसका एरिया किस तरह कैलकुलेट करना है इस फ्लोर का। एरिया कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपने इक्वल टू का साइन लगाना है। इसके बाद आपने ये E9 जो है, ये लेंथ शो करता है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है ब्रेथ ऑफ फ्लोर से। ठीक है, और ये F9 जो है ना, ये ब्रेथ ऑफ दिस फ्लोर है। ठीक है, इसके बाद आपने एंटर दबाना है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं टोटल एरिया ऑफ दिस फ्लोर इज इक्वल टू 225 स्क्वायर फीट। ठीक है, एरिया कैलकुलेट करने के बाद आपने एरिया ऑफ वन टाइल कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं टाइल के डायमेंशन 2 फीट बाय 2 फीट। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो आपने सिंपली एरिया ऑफ वन टाइल कैलकुलेट करना है, तो इसका फॉर्मूला भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसका मतलब ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। सबसे पहले आपने इक्वल टू का साइन लगाना है, इसके बाद 2 फीट मल्टीप्लाई बाई 2 फीट, दिस इज द डायमेंशन ऑफ दिस टाइल। ठीक है, इसके बाद आपने एंटर दबाना है। ठीक है, तो द एरिया ऑफ वन टाइल इज इक्वल टू 4 स्क्वायर फीट। एरिया ऑफ वन टाइल कैलकुलेट करने के बाद आपने टोटल नंबर ऑफ टाइल कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपने टोटल एरिया ऑफ फ्लोर को डिवाइड करना है एरिया ऑफ वन टाइल से। ठीक है, एक्सेल में आपने नंबर ऑफ टाइल का फॉर्मूला किस तक फुट करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं सबसे पहले आपने इक्वल टू का साइन लगाना है, इसके बाद G9 डिवाइड बाई H9। ये G9 जो है ना, ये टोटल एरिया ऑफ फ्लोर है, इसको आपने डिवाइड करना है H9 से, एंड H9 इज द एरिया ऑफ वन टाइल। ठीक है, तो इसके बाद आपने सिंपली एंटर करना है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं नंबर ऑफ टाइल इज इक्वल टू 56.25। मतलब ये है कि 57 नंबर ऑफ टाइल इज रिक्वायर्ड फॉर दिस फ्लोर एरिया। ठीक है, माय डियर फ्रेंड, एट्स एनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह सी यू विद अनदर वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड प्रॉब्लम इन दिस लेक्चर, प्लीज यू कमेंट्स मी, एंड इफ यू आर डिडंट सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट्स। इंशाल्लाह सी यू विद अनदर वीडियो। बाय बाय।